हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी में डायल एफआईआर स्कीम के बारे में। ठीक, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि डायल एफआईआर है क्या, तो मुझे इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। तो ये वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डायल एफआईआर और ई एफआईआर में डिफरेंस है। ई एफआईआर जो होता है ये इंटरनेट के माध्यम से होता है, जबकि डायल एफआईआर है ये थ्रू फोन होता है। ठीक, अब क्या अगर कहीं मर्डर हो गया है तो क्या आप उसके लिए क्या करोगे, डायल एफआईआर करोगे? नहीं, डायल एफआईआर वहां नहीं करोगे। डायल एफआईआर जो है या रेगुलर क्राइम के लिए। रेगुलर क्राइम में क्या चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कोई विवाद हो गया छोटा मोटा, ठीक, थोड़ा बड़ा मारपीट हो गया, लड़ाई हो गया, चोरी हो गई, इन सब चीजों के लिए आप कर सकते हो डायल एफआईआर। इसमें कुल कितनी चीजें, अब डायल एफआईआर में मान लीजिए कि आप सिर्फ यही कहेंगे कि चलो वाद विवाद हो गया, उसके बाद मारपीट हो गया, तभी आप कर सकते हो काम? नहीं, आप क्या कर सकते हो, जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको पुलिस का उसमें सिग्नेचर चाहिए होता है या पुलिस पुलिस की सहमति चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आप डायल एफआईआर का यूज कर सकते हो। ठीक, अब बात क्या होगी कि क्या मैं डायल एफआईआर करूंगा और पुलिस कैसे मतलब तुरंत समझ जाएगी कि हाँ ये है अपराधी कैसे, तो इसके लिए क्या किया गया है, एक डेटाबेस बनाया गया है। डेटाबेस अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो उसमें सुने होंगे कि डेटाबेस होता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज चल रहा है तो आप स्टूडेंट का डेटा बना लिए, ठीक, तो इसी तरह डेटा बेस बनता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है तो आपने क्या जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका डेटा बेस बना लिया, तो उसी तरह 1 लाख अपराधियों का एक डेटा बेस बनाया गया है, जिसमें उनके द्वारा मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छे अपराधी होते हैं, जो कहते हैं अच्छे अच्छे मतलब उनका नाम, अपराधी तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मीन्स जो अपने अपराध की दुनिया में थोड़े पॉपुलर हो, वो उन अपराधियों को 1 लाख लोगों का डेटाबेस बनाया गया है। अच्छा, ये बताइए, चलिए डेटाबेस बन गया, अब पुलिस को कैसे पता डेटाबेस आया? मान लीजिए कोई एक जगह हम ऑफिस बना दिए, वहां पे आया, वहां पुलिस को फोन करके बताएं कौन सा रीजन है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि पुलिस को दिया जाएगा 22,000 आईपैड्स दिए जाएंगे। ठीक, क्या दिया जाएगा, 22,000 आईपैड। इसके ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होंगे और कहीं भी क्राइम होता और अगर कॉल आता है, डायल एफआईआर आता है, तो तुरंत ये इसमें से एक्सेस कर लेंगे और उसको तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये अपराधी अगर उसमें से है ठीक है, तो उनको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, इन्हें तुरंत फोटो मिल जाएगा तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा। ठीक, अब बात करते हैं डायल एफआईआर जो योजना है, ये सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायल एफआईआर योजना सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है या योजना भी सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई? नहीं, जो क्रिमिनल है उनका डेटाबेस सबसे पहले तैयार किया गया था पंजाब की सरकार द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब की सरकार द्वारा। और क्या ये जो डायल एफआईआर योजना है इसको तुरंत यूपी में लागू कर दिया? तो आपको मैं जब भी पढ़ाती हूँ आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि कोई भी योजना डायरेक्टली मेजर लेवल पे नहीं लॉन्च किया जाता है, पहले उसको माइनर लेवल पे चेक किया जाता है कि इसमें क्या खामियां हैं, उनको दूर किया जाता है। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ी बजट की राशि लगती है, बहुत कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप सब कुछ सोच समझ लोगे कि क्या हानि है क्या लाभ है, उसके बाद ही करोगे। तो ये जो डायल एफआईआर योजना है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गाजियाबाद में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? गाजियाबाद में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 22 ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको, आप क्या होंगी, ऑन फोन होंगी, मतलब आप डायल एफआईआर की मदद से क्या करोगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहीं भी अगर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले आदमी जब जाता है पुलिस को बताता है तो उसे क्या कहते हैं, एफआईआर, या ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। ठीक, अब इसका प्रोसीजर किसमें दिया है, तो 1973 आईपीसी का, आईपीसी 1973 के सेक्शन 154 में दिया गया है डायल एफआईआर योजना के बारे में। ठीक, यूपी के सीएम की बात करें तो कौन है, आदित्यनाथ योगी, और डीजीपी का नाम तो आपको बताना है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी फेमस भी हैं और मैं बार बार आपको बोली भी थी कि काफ़ी फेमस है, इन्हें याद रखिएगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ आप अपने प्रोस्पेक्टिव भी रख सकते हैं कि हाँ कितने परसेंट तक आपको ये लगता है कि वर्क करेगा, अच्छी स्कीम है या खराब स्कीम है। देखिए, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए मत किया करिए, उसमें आप
क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन चीजों को भी एनालाइज किया करिए, ठीक, तब आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाकी अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप ना किया करिए, ठीक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।